सो गाइस स्क्रब किया और ये मेकअप किया, फुल वीडियो वॉच कीजिए समझ आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, जी हाँ, बहुत ज़्यादा खास प्रोडक्ट। जी हाँ, बहुत दिनों से मैं भी मतलब स्पॉन्सर वीडियो लोगों की देख रही थी, बट ये नॉन स्पॉन्सर वीडियो है क्योंकि इसका मैं गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दोनों बता सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने खुद पे करके इसे परचेस किया, तो ये मेरा खुद का ओन रिव्यू होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ नॉन स्पॉन्सर वीडियो है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा तब समझ आएगा, और स्क्रबिंग कितना ज़रूरी है ये भी ज़रूर देखिएगा, और गाइस स्किन को केयर करते हूँ और ये किस तरह का प्रोडक्ट है मैं आप लोगों से आगे बात करती हूँ। सो गाइस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका वेलकम है हमेशा की तरह, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ स्क्रब है, ऑब्वियसली मैंने अभी बोला, ये पिलग्रिम की ये सीक्रेट ऑफ जीसस आइलैंड की है, ये वॉल्केनिक लावा एस फिश स्क्रब है, इस तरह का पैकेजिंग में है। सी चलिए पहले क्लोज से दिखवा देती हूँ, एंड क्या और कोरिया का ये प्रोडक्ट है, इस तरह की यहाँ पे है। और गाइज से यस टू लव क्राफ्ट ये सब एक्सेट्रा बातें हैं, मैं आप लोगों को क्लोज से इसलिए दिखा दूँ ताकि आप लोग भी इसको पढ़ पाएँ खुद भी। 400 रुपीज़ प्राइस है और चिकटना, और बस पैकेजिंग दिखा दे रहे हैं, इसमें यूज़ करने का तरीका और एक्सेट्रा बातें हैं। इस तरह से पैकेजिंग के साथ है ये पिलग्रिम का ये प्रोडक्ट, और मैं आप लोगों को बार बार इसलिए दिखा दे रही हूँ एग्जैक्टली आप लोग समझ पाओ। छोटा सा स्पैचुला मिलता है, ये कलर है एग्जैक्टली। सो गाइस तो ये स्क्रब आपने देख ही लिया, इसको क्लोज से जान ही गए, थोड़ी सी स्पैचुला मिलती है आपको ये निकालने के लिए, बहुत हेल्पफुल होता है स्क्रब में, बार बार हैंड टच करना तो सही नहीं है, तभी से स्पैचुला के थ्रू, और ये वुड का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब ये आयुर्वेदिक टाइप भी लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस ये एकदम मतलब न्यू टाइप का मुझे लगा, इससे पहले मैंने बहुत सारे स्क्रब यूज़ किए हैं बट ये बहुत डिफरेंट है, मैं आप लोगों को भी डे लाइट में भी दिखा रही हूँ, ये कोई रिंग लाइट नहीं है, डे लाइट ही है, और कर्टन से मेरी लाइट आ रही है, और सी ये एग्जैक्टली सेम कलर आपको ये मिलेगा, और ये अच्छा बड़ा सा पैक है, और प्राइस इसकी थोड़ी सी आपको ये कॉस्टली पड़ेगी, बट जितना अमाउंट है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चल जाएगा, अगर आप परिवार में 2-3 लोग लगाने वाले हैं तो बहुत दिन चल जाएगा, क्योंकि स्क्रब मेरे अकॉर्डिंग डेली नहीं करना चाहिए, स्क्रब वीक में आप 2 टाइम करें, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड और व्हाइट हेड होते हैं तो आपने 3 टाइम करना, एटलीस्ट 2 टाइम करिएगा, वंस अ वीक भी कर सकते हैं जिनकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विदाउट स्क्रबिंग अगर आप कुछ भी करते हैं ना, जब आपकी स्किन एक्सफोलिएट सही से नहीं होगी ना तो कुछ भी सूट नहीं करने वाला है। जी हाँ, ये तो एकदम बात सही है, क्योंकि सूट नहीं करता, ये 400 रुपीज़ का है, और टेक्सचर वगैरह मैं आपको दिखा दिया, पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है। चलिए इसको यूज़ करने का तरीका दिखाते हैं और आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाते हैं।
करने के बाद मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया था, तो स्किन पे कितना ग्लो दिख रहा है। और बहुत सिंपल और साधारण सा मेकअप मैंने किया कुछ सस्ती से प्रोडक्ट के साथ। तो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ईजी और एकदम मेकअप नहीं दिखने वाला मैंने ये मेकअप किया हुआ है, मतलब स्किन हेल्दी भी दिखेगी। सी, और कोई रिंग लाइट नहीं है, बस मेरी नेचुरली स्किन है, डे लाइट में है। एंड गाइज, अगर आपको जरा भी अच्छा लग रहा तो जरूर चेक कीजिएगा। बस लिपस्टिक आपको लाइट कलर लगानी है, मुझे सब मेरे पुराने व्यूअर्स मुझे जानते हैं, मुझे लिपस्टिक रेड ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ऑलवेज रेड ही लगाना पसंद करती हूँ। बट आप लाइट कलर लगाएंगे ना एकदम नेचुरल लुक लगेगा। आई थिंक अगर पिंक लगाएंगे ना तो एकदम नहीं लगेगी, आपने कुछ मेकअप किया हुआ है और आपका मेकअप भी है स्किन पे, तो और स्किन हेल्दी भी है साथ साथ। तो ये केयरिंग करके मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो ये प्लीग्रीम वाला कैसा लगा, स्क्रब यूज़ करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को हाफ एंड हाफ आंसर ज़रूर करूँगी। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को और व्यूवर्स का हेल्प ज़रूर करती हूँ इससे रिलेटेड। या और भी कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल यूट्यूब फैमिली।